नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रघु दोबारा से राघव न्यूज़ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो रक्षाबंधन के त्यौहार से रिलेटेड मैं आज आपको मुलाकात कराने वाला हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े होलसेलर, राखियों के होलसेलर शैलेंद्र जी से मुलाकात करके आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। और हम जानेंगे कि इनके पास कौन कौन सी राखियों की वैरायटीज़ हैं जो कि होलसेल में सप्लाई करते हैं। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको अपनी दुकान के लिए राखियाँ खरीदना है, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल में हो, तो ये शैलेंद्र जी से मुलाकात से संपर्क करके आप अपने दुकान के लिए राखियाँ खरीद सकते हैं। शैलेंद्र सर जो है राखियों के बहुत बड़े होलसेलर हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, जो कि सप्लाई करते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी इनका जो है माल जो जाता है। तो अगर जो मेरे भाई और बहन हैं अगर अपना नया दुकान खोलने का सोच रहे हैं या अपना चिल्लर की दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बिना कोई देरी किए शैलेंद्र जी से मुलाकात करवाता हूँ, जो कि ऑनर हैं एस के सन्स एंड ज्वेलर्स के। जो मेरे चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के जो अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आइए मैं मुलाकात कराता हूं शैलेंद्र सर से और जानेंगे कि सर की दुकान में कौन कौन से कलेक्शन रखते हैं। तो सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, हम जानना चाहते हैं कि आप अपने शॉप में किस किस रेंज के राखियाँ कलेक्शन रखते हैं। हमारी दुकान में हर तरह की रेंज उपलब्ध है, चाहे वो छोटे से गांव से लेकर किसी कस्बे या शहर या राजधानी में बेचने के लायक सारी आइटम में, चाहे डोरी हो, स्टोन राखी हो, लुम्बा हो, टैडी हो जो बच्चों की राखियाँ होती है, या सिल्वर राखी है, इस तरह की सारी राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है और सारी रेंज हम यहाँ रखते हैं अपने यहाँ। नया लेटेस्ट कलेक्शन क्या चल रहा है सर अभी राखियों में इस साल का? वैसे तो पेयर राखी के अलावा कलेक्शन नया जो है उसमें स्टोन ही डिमांड ज़्यादा है। स्टोन में ही वैरायटी अलग अलग आती है जी। लेकिन उन स्टोन आइटमों का पर्टिकुलर नाम नहीं होता। हाँ, कुछ जगहों पर हैंडमेड राखियाँ चल रही है जो रायपुर में ही बन रही है, कई गांवों में बन रही है, कई शहरों में बन रही है। वो हैंडमेड राखियाँ जो मैगी या पिज़्ज़ा इस टाइप के शेप में जो होती हैं, उस टाइप की भी राखियाँ काफ़ी चल रही है अभी। और जैसे छोटे बच्चों जो हैं, छोटे बच्चों के लिए किस टाइप की राखियाँ अवेलेबल रखे हैं आप अपने पास? छोटे बच्चों के तो सब तरह के, जैसे जो बच्चों के कार्टून चैनल आते हैं उसके जो पात्र होते हैं, उन पात्रों के आधार पर कार्टून राखी बनती है, वो सब चल रही हैं अभी। अच्छा, होलसेल के अलावा आप रिटेलर जो रहते हैं, छोटे रिटेलर, उनको भी माल सप्लाई करते हैं क्या? सभी को माल सप्लाई करते हैं हम, चाहे वो होलसेल हो, चाहे सेमी होलसेल करने वाले हो, चाहे रिटेल करने वाले हो, सब हमसे माल लेते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ के अलावा और किन किन राज्यों में अपना माल का सप्लाई कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह हमारा माल जाता है, दोनों जगह के हमारे कस्टमर हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अलावा और उड़ीसा में भी हम माल सप्लाई करते हैं सर। तो और जिन भी शहरों से अगर ये वीडियो के माध्यम से अगर आप अपना माल या सामान लेना चाहते हैं, राखियों का होलसेल या रिटेलर का सामान लेना चाहते हैं, तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर मैं जानना चाहता हूं कि जो रिटेलर या कोई होलसेल व्यापारी आपसे संपर्क करते हैं, तो आप उनको कुरियर की फैसिलिटी देते हैं क्या? कुरियर की फैसिलिटी जी। असल बात क्या होता है कि मैक्सिमम कस्टमर्स जो है वो डिज़ाइन देख कर ही माल लेता है। अच्छा। फिर वो जहाँ कहे, गैरेज कहे गैरेज, कुरियर कहे कुरियर, या और कोई ट्रांसपोर्ट का जो भी साधन हो, सभी साधन से हम माल भेजते हैं। तो जैसे कि कोई होलसेलर या रिटेलर को माल पसंद आता है, तो आप उनको दिखाने के लिए, माल को दिखाने के लिए आप व्हाट्सअप करते हैं या अपने दुकान पे बुलाते हैं? देखिए, कोरोना काल की वजह से मैक्सिमम जो ज़्यादा दूर के कस्टमर हैं उनको हम फ़ोटो के माध्यम से ही ऑर्डर लेके माल भेज देते हैं, और जो कस्टमर चाहते हैं कि नहीं मुझे डिज़ाइन देखना ही है, वे स्वयं यहाँ आकर और माल लेकर जाते हैं। तो जैसे जो दूर के जो कस्टमर है, वो सामान को फाइनल करने के बाद पेमेंट का क्या प्रोसेस रहता है सर आपके द्वारा? पेमेंट का सिस्टम अलग अलग तरह से है, कैश भी रहता है और क्रेडिट भी रहता है। यदि हमारी पुरानी पहचान के कस्टमर हैं जी, तो राखी होने के बाद 7 दिन के अंदर वो पेमेंट उनका आ जाता है, वो क्रेडिट में जाता है और कैश में भी माल लेते हैं लोग। सर, राखियों के अलावा और आपके पास और आप कौन सा व्यापार करते हैं? आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी का। अच्छा, ज्वेलरी का ना? जी हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, राखियों के अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी सर व्यापार करते हैं। तो अगर आपने दुकान के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना चाहते हैं, तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सर का कलेक्शन दिखाता हूं कि वो कौन कौन से राखियाँ और आर्टिफिशियल ज्वेलरियाँ इनके पास अवेलेबल हैं।
तो आइए हम देखते हैं कि भैया के पास कौन कौन सा कलेक्शन है। तो अब मैं माइक भैया को देता हूं और भैया बताएंगे कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी की राखियां अवेलेबल हैं होलसेल और रिटेल दोनों के लिए। तो भैया बताइए, हमारे पास आपको एडी में भी फुल रेंज मिल जाएगी। अच्छा, एडी में जैसे ये खुद की पैकेजिंग में है हमारा। ओके। और एडी के अलावा जैसे ये इस टाइप का है, अरहम रक्षाबंधन के नाम से हम लोगों का खुद का हम लोगों का पैकेजिंग रहता है। अच्छा। जैसे ये आप पेंडल देख रहे हैं, धागा देख रहे हैं, ये सब हम लोगों का कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहना है, क्या रहना है, वो सब हम लोगों का पैकेजिंग हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। और अरहम रक्षाबंधन ब्रांड जो है हमारा, वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब जगह बिकता है। तो ये एक जो डिब्बा है, हाँ, जो छः पीस है, कितने का पड़ता है? ये एक पीस का रेट है इसका 34 रुपीज़। अच्छा, और हाँ, होलसेल में जैसे? होलसेल में ये आराम से 50 रुपये 60 रुपये ऐसे में बिकता है। अच्छा। हाँ, अलग अलग रेंज है। अच्छा। इसमें जैसे अब ये इस टाइप की दिल्ली डोरी वगैरह है, हाँ, इसमें आपको 4 रुपये दर्जन से लेके आपको अराउंड 60 रुपये 70 रुपये दर्जन वाला आइटम भी मिल जाएगा इसमें। अच्छा। और इसके अलावा जैसे स्टोन डिब्बी वगैरह वाला आइटम है, हाँ, इसमें आपको 63 रुपये दर्जन से लेके आपको 250 रुपये दर्जन तक का आइटम मिल जाएगा। अच्छा, स्टोन वाले। हाँ, और जैसे इस टाइप का यूनिक डिज़ाइंस हैं। अच्छा। जैसे रोज गोल्ड वगैरह आजकल बहुत चलता है, ये सब भी हमारे पास पूरा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ये होलसेल में जैसे इसका रेट क्या रहेगा अपने? होलसेल में जैसे ये है अराउंड आपका 72 रुपीज़ का है। ये चिल्लर में जैसे बेचना है? चिल्लर में ये आराम से 100 रुपये 120 रुपये ऐसे में भी बिकता है ये। और उसके अलावा ये जो है, ये सब जो है, ये भी हाँ, ये भी हमारा अरहम रक्षाबंधन करके जो ब्रांड है हमारा, उसी के नाम से जाता है ये। स्टोन फैंसी बोला जाता है इसको। हाँ, ये जैसे गांव देहात वगैरह में इस टाइप का आइटम जैसे है, बहुत सारे नग लगे हुए हैं और ये सब स्टोन्स लगे हुए हैं, तो ये सब आइटम ज़्यादा बिकता है। और ये सब जो देख रहे हैं आप यहाँ पे भी अरहम रक्षाबंधन वगैरह का, ये पूरा हम लोगों का खुद का ब्रांडिंग है। हाँ, खुद का हम बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ मतलब बेसिकली ऐसा है, आपको हमारे पास मतलब फुल रेंज मिल जाएगा। जैसे ये बच्चों का है, ये लाइट वाला है। अच्छा, ये छोटे बच्चों के लिए? हाँ, ये लाइट वाला है। अच्छा, ये इसमें ये देखिए। अच्छा। इससे लाइट जलेगी। ओके, ओके। और उसके बाद ये भी बच्चों का है। अच्छा। बच्चों का इसमें भी आपको फुल रेंज मिल जाएगी। अच्छा। और इसके अलावा लेडीज लोगों का भी जैसे लुम्बा वगैरह आता है। ओके, ओके। मतलब ईच एंड एवरीथिंग एट वन प्लेस। राखियों के जो हर प्रकार के जो वैरायटीज हैं आपके पास अवेलेबल है, हाँ, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा लेना है। ईच एंड एवरीथिंग एट वन स्टोर। ओके, ओके। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है उसके बारे में बताइए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जैसे मतलब एसके एंड सन्स करके हमारा ब्रांड है। ओके। मतलब हमारी कंपनी का नाम एसके एंड सन्स है, हमारी शॉप का नाम जो है। ओके। और उसमें फैंसी में जैसे माइक्रो ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी जो ऊंची फैंसी इयररिंग्स होती हैं, एडी इयररिंग्स होती हैं, एडी टॉप्स होते हैं, हार सेट्स होते हैं, उस सारा रेंज पूरा रेंज मिल जाता है हमारे यहाँ। तो आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आपकी शॉप यहाँ पे कहाँ पे है रायपुर में? हाँ, हमारी शॉप जो है वो बंजारी रोड में है, होटल सिटी पैलेस के पास में। ओके, आपको एसके एंड सन्स या अरहम रक्षाबंधन का बोर्ड दिख जाएगा। ओके। सिटी पैलेस के पास में। इसके अलावा दोस्तों, मैं सर का जो गूगल लोकेशन जो है, गूगल मैप का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच। एंड मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप एक बार हमारे स्टोर में आइए, विजिट करिए, आपको बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारा रेंज मिलेगा एट अफोर्डेबल प्राइस। ओके, थैंक यू। इसके अलावा जो व्यूवर्स जो ये वीडियो देख के आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि मीन्स देखिए, ऐसे हम लोग रिटेल जो है वो बहुत कम अटेंड करते हैं। ओके। अगर क्योंकि मेन हमारा फोकस होलसेल में है, तो रिटेल में अगर कोई बोलेगा कि हमने यूट्यूब में देखा है, तो बिल्कुल हम उनको आने देंगे, उनको प्राइस भी वैसा पड़ेगा, अफोर्डेबल प्राइस रहेगा। ओके, हाँ, ओके। उनको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दुकान आकर जो माल है या राखियों का जो सामान है उसको देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि व्हाट्सएप में उतना समझ में नहीं आता है कि वो किस टाइप का रहता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप एसके सन्स स्टोर में आकर विजिट करें, है ना।
तो दोस्तों आज मैं आपको एसके सन्स के यहाँ एक कस्टमर आए हुए हैं, उनसे मैं एक फीडबैक, छोटा सा फीडबैक लेना चाहूँगा और मैडम से पूछना चाहूँगा कि मैडम फूल बाज़ार में और भी राखियों के दुकान हैं, आप एसके सन्स से ही क्यों खरीदना पसंद करते हैं? क्योंकि एसके सन्स और सभी दुकानों के मुकाबले में एसके सन्स में वैरायटी, कलेक्शन वगैरह सब बहुत अच्छे हैं और रेट भी सबका रिजनेबल है और यहाँ के सब स्टाफ लोगों का सबका मैनर्स वगैरह खूब अच्छा है। हाँ, तो आप दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैडम जो है इनको यहाँ का जो प्राइस है अफोर्डेबल लगता है, इसके अलावा इनका व्यवहार है, इनकी जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कराने का और सर्विस जो है इनका बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैडम बार बार यहाँ पे होलसेल या अपनी शॉप के लिए जो है परचेस करने के लिए आती हैं। तो मैडम आप अपना नाम बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को और आपकी शॉप का नाम भी बता दीजिए, आप कहाँ से परचेस करने के लिए आए हुए हैं? मेरा नाम सरिता अग्रवाल है, मैं अशोका रतन से आई हूँ, अशोका रतन के अंदर मेरे राधिका बुटीक नाम से शॉप है। ये आपका जो शॉप है कहाँ पे है? अशोका रतन रायपुर में ही है ना? रायपुर अशोका रतन। आप देख सकते हैं कि रायपुर से ही खरीदी करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे होलसेल में और अपने एक शॉप में जाके इसको रिटेल में बेचेंगे। थैंक यू मैम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करो यार। थैंक यू सो मच।